कारगिल शहीद रामप्रसाद ध्यानी की वीरांगना जयंती देवी को राष्ट्रीय कवि अनिल शाश्वत ने किया सम्मानित। कवि अनिल शाश्वत ने अपनी देहदान करने की घोषणा की। आज रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में पहुंचे राष्ट्रीय ओजस्वी कवि अनिल शाश्वत ने कारगिल शहीद लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी को उनके घर पर पहुँच कर सम्मानित किया। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान 25 जुलाई 1999 को लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी की यूनिट 17 गढ़वाल राइफल द्रास ट्रैक्टर की एक ऊंचाई वाली पहाड़ी पर रात के समय चढ़ रही थी। चारों ओर रात का धूप अंधेरा छाया हुआ था, तभी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उनकी टीम पर चारों तरफ से हमला कर दिया। लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी ने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद आगे बढ़कर पाकिस्तानी घुसपैठियों का बहादुरी से सामना करते हुए 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। लेकिन अब तक अन्य घुसपैठियों की नज़र रामप्रसाद ध्यानी पर पड़ चुकी थी। उन्होंने चारों ओर से रामप्रसाद पर हमला कर दिया। अंततः अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश के लिए बलिदान हो गए। बता दें कि आज राष्ट्रीय कवि अनिल शाश्वत राष्ट्रीय कवि होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 800 मीटर 1500 मीटर की रेस और 1x400 और 400x400 रिले रेस में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय स्पोर्ट्स में कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अनिल शाश्वत पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना में बलिदान हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को प्रतीक चिन्ह और नकद राशि अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुनीत काम कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय कवि अनिल शाश्वत ने मृत्योपरांत अपनी देहदान देने की घोषणा की है। इस मौके पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग रामनगर और हेमपुर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर नवीन पोखरियाल, कैप्टन मानसिंह अधिकारी, पूर्व नौसेना अधिकारी चीफ मेक राजभर सिंह गुसाई, पूर्व उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक नैनीताल और कुमाऊं विश्वविद्यालय में पोल वॉट के स्वर्ण पदक विजेता महिपाल सिंह डंगवाल, शहीद रामप्रसाद ध्यानी के बड़े बेटे अंकित ध्यानी और सेना की 5 गढ़वाल राइफल्स में कार्यरत शहीद रामप्रसाद ध्यानी के छोटे बेटे अजय ध्यानी उपस्थित थे। श्रीमती जयंती देवी धन्यवाद, और मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सम्मानित अनिल सरस्वत ने किया है, मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी आभारी हूँ। मेरा नाम अनिल सरस्वत है और मैंने एक जीवन पर्यंत ये प्रण लिया है कि हर माह एक शहीद के परिवार को सम्मानित करूँगा। उस कड़ी में आज ये 46वां शहीद के परिवार का सम्मान है। कारगिल शहीद लांस नायक राम प्रसाद ध्यानी जी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी जी को आज उनके निवास पर सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे सेना की वर्दी तो नसीब नहीं हो पाई, मेरे परिवार से भी कोई सेना में नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वस्व मेरी सेना को लगे, मेरे सैनिकों को लगे, मेरे जवानों को लगे, मेरे शहीदों को लगे, मेरे वतन को लगे और मेरे तिरंगे को लगे। मैं बहुत जल्दी एक घोषणा करने वाला हूँ कि मैं मेरे शरीर का एक एक अंग मैं समर्पित करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लिए और अपनी भारतीय सेना के लिए। मैं अपने शरीर को दान देकर जाना चाहता हूँ। ये बहुत जल्दी मैं बहुत शीघ्र ये घोषणा करने वाला हूँ। मरूं जब मैं चिता पर मेरी हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना, अगर संभव हो तो मुझको तिरंगे का कफन देना, तिरंगे का कफन देना, तिरंगे का कफन देना। और ये शहीदों का जो ये मकान है वो शिवालय है मेरे लिए, शहीदों के मकान नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, शहीदों के जो घर हैं वो शिवालय ही लगे मुझको, शिवालय ही लगे मुझको, मैं गुजरूं जब इधर से माँ, मैं गुजरूं जब इधर से माँ, मेरा मस्तक झुका देना, मेरा मस्तक झुका देना, मरूं जब मैं चिता पर मेरी हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना, शहीदों के जो परिजन हैं वो परिजन भी बने मेरे, वो परिजन भी बने मेरे, उन्हें सम्मान माँ मैं दे सकूँ, सामर्थ दे देना,
सामर्थ दे देना, मरूं जब मैं चिता पर मेरी हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना।